मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 में से 4 सीटों पर अब भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है भारतीय जनता पार्टी। यहां 2 प्रत्याशियों की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन 4 सीटें अब भी खाली हैं। जाहिर है इन खाली सीटों पर लगातार नए दावेदार आ रहे हैं और अपना दावा ठोक रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह का दावा दक्षिण पश्चिम विधानसभा से सामने आया है। उनका कहना है कि मैं न्यू मार्केट में रहता हूं, ये भोपाल दक्षिण पश्चिम में आता है, मुझे 35 साल हो गए हैं, इसलिए क्षेत्रीय प्रत्याशी को ही टिकट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को वे अपनी बात बता चुके हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी दावेदारी को ठोका और कहा कि वे इस बार यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुनिए भोपाल में हुए इस उलटफेर के दौरान सुरेंद्र नाथ सिंह ने क्या कहा। देखो भैया, क्या है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, न्यू मार्केट में देखा होगा, और मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो आपको हर जगह अवेलेबल हूँ। अगर आप चाहते हो कि सुरेंद्र नाथ सिंह से मिल लो तो भैया न्यू मार्केट पहुँच जाओगे, मिल जाऊँगा मैं। और उसके आसपास जितना एरिया है वो तो किसी की भी विधानसभा के हों, काम कराने मेरे पास ही आते हैं, चाहे मेडिकल की सहायता का हो, कुछ भी हो। और ये तो बीमारी तो चलती रहती है, ये पहली बीमारी थोड़ा है, इससे पहले मेरा बाईपास हो चुका सर्विस, तो बाईपास हो चुकी है। और जब आप फील्ड में काम करोगे भैया तो बीमारियां तो होती रही है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो होगा देखें। और फिर नहीं नहीं, मेरी बात हुई शिवराज जी से ही बात हुई और नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात हुई। अच्छा, दूसरा क्या है भैया, जैसे मान लो अपन लोग ये काम नहीं करेंगे फिर करेंगे क्या, बल्कि अगर चुनाव नहीं लड़ो वो ज़्यादा दुखदायक है। ये काम करने वाले व्यक्ति को काम चाहिए, आपको भी ये सब काम हट जाए तो आप खुद परेशान हो जाओगे। अरे नहीं हुआ यार, कहाँ सर्वे हुआ बताइए आप। मेरे साथ जो है नरेंद्र सिंह जी से मिलने इस विधानसभा के सारे लोग गए थे। अरे यार, अनफिट फिट कौन है यार, भाई मेरे सामने लाओ ना, फिट कौन है। दक्षिण पश्चिम से विधायक की उमाशंकर गुप्ता भी दावेदारी कर रहे हैं, जैसे में आपको कैसे टिकट। अरे भाई उमाशंकर जी, क्या अच्छाई है उनमें और मेरे बुराई तो बताओ ना। और चलो मार्केट में चलो आप दिखाओ। अच्छा सर, पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपका क्या है? नहीं नहीं, पार्टी टिकट नहीं देगी तो मुझे समझाएगी, फिर समझते हैं क्या समझा रही है, ठीक है ना भैया। कोई पार्टी में एक ही नेता थोड़ा है भाई, ये सब टिकट देना है नहीं देना है ये बहुत सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं। नहीं मिलता तो फिर क्या निर्दलीय के लिए भी तैयार? अरे नहीं नहीं नहीं, निर्दलीय क्यों लड़ेंगे यार, चलो पार्टी में हमने काम किया, पार्टी हम लोगों ने बनाई, और कोई और चुनाव लड़ेगा भाई। अरे भैया, अच्छा आप लोग तो मजबूत कैंडिडेट मानते हैं आपको? अरे भैया मुझसे मजबूत कौन है बता दो ना, कौन है? अरे अच्छा, आप लोग सब भोपाल के ही हैं, ये सड़कों पे देखा किसको, कौन लड़ रहा था भाई 1980 से लेके? और मेरे ख्याल से मेरे पे जितने अपन ने प्रदर्शन किए हैं अगर उनकी सूची बना रहे तो मेरा नाम तो उसमें आ जाएगा। क्या है वो काय में आता नाम आता है, हैं गुंडा लिस्ट नहीं, में नहीं आया, गिनी जी आप, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। हर महीने 10-20 केस लगते थे मेरे ऊपर, और जनता की सेवा के लिए, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल काम है। अरे यार, 2 बार क्या है, देखो बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी कितनी बार विधायक रहे, तो ऐसा थोड़ा कि आप हो तो आपको टिकट मिलता रहेगा, आप हो तो आपको विधायक का टिकट मिले जरूरी थोड़ा है। तो मध्य से फिर आप क्या? देखो यार, मध्य में क्या है, मध्य की सिचुएशन अलग है, वहाँ आज की तारीख में वहाँ टोटली वो धर्म के आधार पड़ता है, ठीक है ना, तो वहाँ ये नहीं कि भाई आप कैसे जीतोगे, वहाँ वोटर की सिचुएशन बदल गई है। वो पूरा देखो दक्षिण, वो पूरा उत्तर, वो चौक खाली हो गया, वहाँ कोई हिंदू मिलेगा आप? अरे भैया, अरे भैया वो तो महाबली हैं, ये सारी पार्टी जानती है भाई, टिकट दिया ना भाई, आपने टिकट दिया तो मतलब कुछ तो होगी बात,
भाई भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट दे रही है, तो आप भाई आदमी दमदार तो होगा ना यार। अगर आपका टिकट होता है तो सीट निकल लेंगे यहाँ पे। अरे यार यहाँ से मैं नहीं जीतूँ फिर कौन जीतेगा बताओ आप? आपने न्यू मार्केट देखा है? न्यू मार्केट उसके चारों तरफ जितने वोटर हैं, झुग्गी है, यही तो अपना वोट बैंक है यार। रोशनपुरा झुग्गी बस्ती, बाणगंगा झुग्गी बस्ती, और मैं यही रहा हूँ। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं मटपक गया कहीं से। अगर बीजेपी टिकट नहीं दे तो? अरे यार क्यों नहीं देगी बीजेपी टिकट यार, तो बहुत सारे दावेदार हैं। अरे नहीं भैया, तुम्हारे अलावा कोई नहीं वहाँ पे, तुम ही अणगे लगाओगे।